ओके, नाउ विल स्टार्ट विद PMI का, मतलब थोड़ा एडवांस वर्जन, वर्जन्स बल्कि। तो सेकंड वर्जन क्या है? अभी तक जो हम कर रहे थे वो किसके लिए सही था? हमेशा नेचुरल नंबर के लिए, मतलब जो सीडिंग वैल्यू था वो वन था, जो सबसे पहले P1 हम चेक करते थे। ठीक है, अब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जो स्टेटमेंट है वो वन के लिए माने सही ना आए, टू के लिए भी सही ना आए, आगे चल के फिर सही आने लगे। तो मान लिया 10 से n बराबर 10 से वो वैल्यू सही आने लगे, तो हमारी जो सीडिंग वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। तो इस वाले केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि टू प्रूव कोई भी जो स्टेटमेंट देखा है PN इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k विच इज एन नेचुरल नंबर, कि k या उसके आगे ही ये स्टेटमेंट सही है। तो अब हमारा स्टेप वन क्या हो जाएगा? P1 की जगह अब हम क्या करेंगे? PK इज ट्रू। अच्छा, PK तो वहाँ पे यूज़ किया, तो चलो इसको R कर लेते हैं। मान लिया R या उसके आगे हमें ये प्रूव करना है कि सही है, तो उसके लिए अब हम सीड जो है वो R से करेंगे, मतलब P1 की बजाय PR इज ट्रू, ये ठीक है, ये वेरीफाई करेंगे। और स्टेप टू हमारा वैसे ही रहेगा कि लेट PK इज ट्रू, ये ठीक है, देन शो PK इम्प्लाइज PK+1। ठीक है, तो बस थोड़ा सा माइनर चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिक वही रहेगा। लॉजिक तुम्हें समझ में आया ना नॉर्मल मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो ये भी बस वही है। तो इस पे बेस इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट 2 raised to power n इज ग्रेटर देन n² फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये प्रूव करना है। तो उसका मतलब क्या है कि 2 raised to power n n² से बड़ा है, ये 5 और उसके ऑनवर्ड्स हमें प्रूव करना है, ये ठीक है, 1 2 3 4 इसके लिए प्रूव नहीं करना है। तो अब हम सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है, पहले तो इस स्टेटमेंट को लेट PN बोल दिया, लेट PN इज 2 raised to power n इज ग्रेटर देन n², ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड n इज ए नेचुरल नंबर, ये ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड n इज ए नेचुरल नंबर इसलिए बोला है कि अगर n का वैल्यू मान लिया, हम बोला कि 5.2 हो गया, तब भी वो 5 से बड़ा है, बट उसकी बात नहीं चली, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो अब जो हमारी सीडिंग होगी वो कहाँ से होगी? 5 से होगी, क्योंकि उसने बोला कि 5 या उसके आगे सही होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू कि P5 चेक किया, P5 इज 2 raised to power 5 ग्रेटर देन 5² एन की जगह 5 रख दिया, तो यहाँ पे ही 5 आ गया, यहाँ पे ही 5 आ, तो 2 raised to power 5 मतलब 32, 5² मतलब 25, तो 32 इज ग्रेटर देन 25 विच इज ट्रू, हेंस P5 इज ट्रू। ठीक है, P5 ट्रू होने के बाद हमने क्या बोला कि लेट PK विच सेज 2K इज ग्रेटर देन K² इज ट्रू, ये ठीक है, ऑफकोर्स जो K का वैल्यू वो फॉर सम K ग्रेटर देन 5, ये ठीक है, 5 से बड़ा ही होना चाहिए, उसके आगे हमने कोई K ऐसे अज्यूम किया है। तो PK+1 कितना हो जाएगा? 2 raised to power K+1 इज ग्रेटर देन K+1² ये ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो अब हमने शुरू किया, 2 raised to power K+1 को ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 raised to power K, ठीक है। अब PK वाली चीज़ यूज़ करके ये जो 2 raised to power K है ये K² से बड़ा हो गया, तो स्क्वायर से इज ग्रेटर देन 2 into K² ठीक है, बिल्कुल। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि K² + K² या फिर मतलब इसको चलो इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू, मतलब ये इनइक्वालिटी का साइन तो है ही बीच में ऑफकोर्स, बट K² + K² इज इक्वल्स टू, मेरे को राइट हैंड साइड पे प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? K+1 का होल स्क्वायर चाहिए। तो
तो वो मैंने ज़बरदस्ती क्रिएट कर लिया, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये ठीक है, प्लस एक के स्क्वायर बच गया, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया के स्क्वायर। फिर उसके आगे टू के प्लस वन एक्स्ट्रा आया, तो माइनस टू के माइनस वन ऐसे लिख लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से इसको मैंने ऐसे लिख लिया के इंटू के माइनस टू माइनस वन, ठीक है। अब मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो उससे क्या होगा कि ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, कि k प्लस वन के स्क्वायर में अगर हम एक पॉजिटिव नंबर जोड़ें तो ऑफकोर्स बड़ा हो जाएगा। तो अब तो मैं ऐसे देख सकता हूँ ये सब, मतलब कहाँ पे मेरे को प्रूव करना है, फाइव के आगे, तो जो k या k प्लस वन है वो फाइव से बड़ा है। तो अगर फाइव से बड़ा है तो ये नंबर तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव, और ये नंबर हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिफ्टीन, तो ऑफकोर्स वन से तो बड़ा हो गया होगा, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नंबर है दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो अल्फा में अगर मैंने कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ा तो वो ऑफकोर्स ग्रेटर देन अल्फा तो हो गई होगा, सो दिस विल बी ग्रेटर देन के प्लस वन का होल स्क्वायर। या क्या कि पी के प्लस वन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया, कि टू रेस्ट पर के प्लस वन से बड़ा किया, सॉरी टू रेस्ट पर के प्लस वन से चालू किया, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हैंस पी के इम्प्लाइज पी के प्लस वन, सही है। तो बस पी फाइव से तो सीटिंग हो गया, कि मतलब पी फाइव सही है, और पी के इम्प्लाइज पी के प्लस वन से क्या हो गया प्रूव, कि पी फाइव अगर सही है तो पी सिक्स भी सही है, उससे अगले वाला भी सही है, पी सिक्स सही है तो उससे अगले वाला भी सही है, पी सेवन फिर उससे अगले वाला, एंड सो ऑन, तो उसके आगे ये हमेशा सही हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि हैंस प्रूव्ड, यहां तक ठीक है।